लिथियम आयन बैटरी का ना बहुत ही इश्यूज रहते हैं कि इसमें ना आप लोगों को नहीं पता लगता कि इसका स्टेटस कैसा होना चाहिए और किस तरीके से ये ऑन की जाती है। सबसे पहले जो है वो आपने इस ये आप देख रहे हैं, ये इसका नॉर्मल स्टेटस है रन टाइम का और कैपेसिटी का, यानी कि अब ये दो सेल्स इसके चार हो चुके हैं और आगे ये चार जैसे ही होगी तो ये ऑन हो जाएगी। अब मैं इसको बताता हूँ कि आपने इसके फॉल्ट को कैसे ट्रेस करना है और फॉल्ट में कैसे इसकी सेटिंग करनी है। ये लिथियम पावर बैटरी है, लाइफ PO4 48 वोल्ट 100 एम्पेयर आवर्स की। अब इसमें ना एक मसला आ रहा था, वो ये था कि हमारी रेड लाइट और रन टाइम दोनों इकट्ठे ब्लिंक कर रहे थे, तो उसकी मकसद ये था कि हमने इसमें इसका फॉल्ट ये हम ऐसे ठीक कर सकते हैं कि यहाँ पर इधर आओ ज़रा, ये RST का बटन है, RST का बटन है, इसमें आपने लॉन्ग प्रेस एक टेस्टर के साथ लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे ही आप इसमें लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये रीस्टार्ट होगा, जब रीस्टार्ट होना तो अचानक आपने टेस्टर को उठा नहीं लेना, टेस्टर को रख के रखना है जब तक ये रीसेट होकर ये वाली ग्रीन लाइट ऑन ना हो जाए। ये जैसे ही ऑन होगी फिर आपने रीसेट से वो उठा लेना है, उठाकर ये नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल होने के बाद इसका ये जो ब्रेकर है ये ब्रेकर आपने ऑन कर देना है, ब्रेकर जैसे ही ऑन करेंगे उसके बाद आपने इन्वर्टर को ऑन करना है। जैसे अब इन्वर्टर को ऑन कर लेंगे उसके बाद ये आपकी लिथियम आयन बैटरी जो है वो ऑपरेट करने लग जाएगी, तो ये आपने परेशान नहीं होना, ये वाली इसकी सेटिंग कंप्लीट होनी चाहिए। जो जो बैटरी चार्ज होती जाएंगी वो दो कॉन्स्टेंट जो है वो इसके ऊपर चार्ज होता जाएगा। तो इसी तरह ही अगर आप मजीद मेरी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि मजीद जो है वो टेक्निकल एरर्स और फॉल्ट जो है वो मैं आपको बता सकूँ।